चाहिए अब. व्हाट्सएप गाइज, आई होप कि आप लोग अपने यथा स्थान पे कुशल मंगल से होंगे और एकदम खुश और स्वस्थ होंगे. तो अभी आपने एक सॉन्ग सुना ना, क्या लगा आपको? कैसा सॉन्ग है? 1942 और लव स्टोरी का सॉन्ग है और ये अपने टाइम का बहुत फेमस सॉन्ग है. तो इसी से रिलेटेड कुछ मेरा टॉपिक है आज का. क्या गैस कर सकते हैं आप? एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, वो सोची कि वो जिस लड़की को डिफाइन कर रहा है वो कवि जो जिसने ये सॉन्ग लिखा है, जावेद अख्तर जी हैं, उन्होंने उस लड़की के बारे में परिकल्पनाओं से भी परे लिख दिया है. मतलब वो लड़की इतनी खूबसूरत है कि बस कल्पना ही नहीं कर सकते, और बाकी हम जैसी लड़कियां तो कुछ नहीं है. तो गैस नहीं कर पाए, बताती हूँ. तो आज का मेरा टॉपिक है, आप जैसी भी हैं खूबसूरत हैं. आप चाहे गोरी हैं, चाहे काली हैं, चाहे नाटी हैं, चाहे टॉल हैं, बाल आपके छोटे हैं, बाल आपके बड़े हैं, आप जैसी भी हैं आप बहुत खूबसूरत हैं. तो टुडेज टॉपिक इज, आप खूबसूरत हैं. वी आर ब्यूटिफुल एंड आई लव माई बॉडी. आई लव माई बॉडी एंड आई एक्सेप्ट माई बॉडी एज इट इज. तो आजकल क्या है, आजकल जो है खूबसूरती के मायने और उसके मानक बदल चुके हैं. आजकल लोग अपनी जैसी भी बॉडी है, जैसा भी शरीर है उनका, उसको उसी रूप में अपनाते हैं और उसकी सराहना करते हैं. इससे पहले जहाँ पर सिर्फ फिजिकल ब्यूटी थी, जो आपकी शारीरिक खूबसूरती थी, शारीरिक सुंदरता थी, उसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा मिलती थी. लेकिन अब आजकल क्या है, आजकल सब सुंदर हैं और आंतरिक सौंदर्य को भी लोग अपना रहे हैं, और लोग इसमें बिलीव करते हैं कि कोई भी कैसा भी है वो, उसकी बॉडी उसकी है और वो अपनी बॉडी से प्रेम करता है और वो सुंदर है. पहले नहीं होता था कि अरे यार मेरा वेट बहुत फैटी हूँ मैं, मेरा कलर बहुत काला है. सोचिए कि अभी तो जैसे पहले अभी जो बीच में क्रीम्स आती थी, क्लियर एंड लवली, पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी, फेयरनेस की इमामी फेयरनेस क्रीम, और ढेरों विमेंस की ढेर सारी फेयरनेस क्रीम आती थी. क्यों? क्या अगर हम काले रहेंगे तो क्या हम सुंदर नहीं लगेंगे? क्यों था कि हम क्रीम लगाएंगे तो गोरे हो जाएंगे तभी हम ब्यूटीफुल दिखेंगे? नहीं, अब वो सिनेरियो एकदम बदल चुका है. अब उन क्रीम्स के नेम भी चेंज हो गए हैं. वाइट ब्यूटी जो होती थी, पॉन्ड्स ग्लो ब्यूटी हो गई है, और जो फेयर एंड लवली होती थी वो ग्लो एंड लवली हो गई है, क्योंकि अब मानक बदल चुके हैं. अगर कोई काला है, किसी का कलर डार्क है, तो वो भी खूबसूरत है. अब देखिए कितनी सारी संस्थाएं हैं जो हर साल मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स के कॉन्टेस्ट करवाती हैं. तो क्या उसमें कोई ऐसा होता है कि सिर्फ गोरी लड़कियां ही पार्टिसिपेट करेंगी? उसमें बस एक मानक दिया होता है उसमें, और अब तो फैटी वैटी जो भी है, एक एज लिमिट होती है, उस एज में जाकर उस एज की जितनी भी महिलाएँ हैं या लड़कियाँ हैं, अगर मिस है तो गर्ल्स हुई, और अगर मिसेज है तो विमेंस हुई, तो वो कोई भी पार्टिसिपेट उसमें कर सकता है. बोलते हैं कंपटीशन चल रहा है, वो उसको जीत ही नहीं पाएंगी. जो वो एक आपको एक स्टेज मिला है अपना परफॉर्मेंस दिखाने का, अपने आप को दिखाने का कि आप कितनी कैपेबल हैं, तो क्या वो अगर आप काले होंगे तो नहीं जीत पाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. अब सिनेरियो एकदम चेंज हो चुका है. एवरीवन इज ब्यूटीफुल और एक्सेप्ट अवर बॉडी. आई एक्सेप्ट माय बॉडी, आई लव माय बॉडी. लव योर बॉडी मींस रिस्पेक्टिंग इट एंड फुली अप्रिशिएटिंग इट फॉर व्हाट इट हैज डन फॉर यू एंड व्हाट इज डूइंग for you.
and what it can do for you in the future. Loving all aspects of your body is included in this definition, meaning physical, mental and spiritual. तो आपकी बॉडी आपके साथ है और आपकी बॉडी आपका साथ दे रही है. आप एकदम स्वस्थ, आपका शरीर है एकदम परफेक्ट है, आपके हाथ चल रहे हैं, आपके पैर चल रहे हैं, आपकी आंखें आपका साथ दे रही हैं, आपकी आपकी सांसें आपको चल रही हैं, आप सुन सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप खा सकते हैं, आप पहन सकते हैं, आप चल सकते हैं, जहाँ जाना चाहे जा सकते हैं. तो कितनी तो हेल्प कर रही है आपकी. तो फिर लव योर बॉडी एंड एक्सेप्ट इट. पॉजिटिविटी क्या है? एक सोशल मूवमेंट है जो आजकल चलाया जा रहा है. उसका मकसद क्या है? अगर कोई आपकी कोई डिसेबिलिटी भी है तो उसको भी एक्सेप्ट करें. अगर आपके रंग रूप में कोई अंतर है तो उसको भी एक्सेप्ट करें. अगर आपके आपकी हाइट में, आपके वेट में कुछ भी डिफरेंस है, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट करें वही. और उसको आजकल बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है. आजकल अच्छा लगता है कि हर कोई तो खूबसूरत है कि नहीं है. आइए जानते हैं कि आखिर व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सुंदरता. आखिर सुंदरता है क्या? हकीकत में सुंदरता वो है जो आत्मीयता के साथ स्वीकार की जाए. आप अपने आप को स्वीकार करते हैं तो आप दूसरों के सामने अपने आप को खूबसूरती से पेश कर सकते हैं. यानी कि सुंदरता जो है, तब बाहरी सुंदरता इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है जितनी आपकी आंतरिक सुंदरता है. फिर आप उसको, अपने जो शरीर है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं, उसको बेहतर बनाते हैं और उसको लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं, तो वही असली सुंदरता है. मेरे ख्याल से ब्रह्मांड की हर एक चीज़ खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है. और जिस दिन हम इसको स्वीकार कर लेंगे तो हमको खुद से प्यार हो जाएगा. हम समझेंगे कि हाँ, हम भी एक जीव है. जिस तरह हजारों करोड़ों खरबों इस धरती पे जीव हैं, उसी तरह हम भी एक जीव हैं. और अगर इस ब्रह्मांड की, इस पृथ्वी की हर चीज़ खूबसूरत है, तो उस खूबसूरत चीज़ में से हम भी आते हैं. जब अपने आप को हम इजी वे में अपने आप को स्वीकार लेते हैं, हमारे अंदर एक सौम्यता और एक सरलता रहती है, तो हम खूबसूरत दिखते हैं. और फिर ये जब हमारा खुद के प्रति आकर्षण रहता है, जब हम खुद के प्रति अट्रैक्टिव रहते हैं, तो फिर बाहर के लोग भी हमसे अट्रैक्ट होते हैं. तो खुद की खूबसूरती को स्वीकार करना जैसे भी हो, यही असली सुंदरता है. खूबसूरती के जो मानक हैं, जो पहले से बने हुए थे, वो एकदम बदल चुके हैं. और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? उसका रीज़न सिर्फ यही है कि हम लोगों ने बस एकदम मान लिया कि जो एकदम एक क्या बोलेंगे कि एक ऐसे 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 शेप में होंगी, इतना 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 होगा तो वही खूबसूरत होंगे. लेकिन ऐसा स्पेशली विमेंस के प्लस साइज और उनके कलर को लेकर सोचा जाता है, आर दे ब्यूटिफुल और नॉट. और जो ये मूवमेंट चला था, ये ओरिजिनेट हुआ था 1960s में, लेकिन ये रनिंग में आया है. बॉडी पॉजिटिविटी को लेकर ये रनिंग में चला है, 1990s से शुरू हुआ है. ये चला था कि फैट, जो मोटे लोग होते हैं, मोटे लोगों को लेके. 1/3 पॉपुलेशन जो है अपने अर्थ पे मोटे लोगों की है, तो फिर उनको कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता है कि वो ब्यूटीफुल या खूबसूरत या स्मार्ट या हैंडसम नहीं है. तो ये स्टार्टिंग इसकी वहीं से होती है.
बॉडी एक्सेप्टेंस को लेकर एक मिसकंसेप्शन भी था कि हम लोग जो ये मूवमेंट चल रहा है इससे क्या होगा कि हम फैट को बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। बल्कि हकीकत में बॉडी पॉजिटिविटी इज दैट कि हम अपनी बॉडी को उसके बॉडी के अपने अपनी बॉडी के हर एस्पेक्ट्स को हम एक्सेप्ट करते हैं, बॉडी की जितनी भी स्टेट्स हैं हम उसको स्वीकार करते हैं। यही हुआ बॉडी पॉजिटिविटी। बॉडी पॉजिटिविटी एक सेंस है, एक आइडिया है कि आप अपनी बॉडी को एज इट इज, जिस शेप में भी है, एक्सेल है, डबल एक्सेल है, ट्रिपल एक्सेल है, कैसा भी शेप है और कैसा भी आपका फेयर कलर है, कैसा भी कलर है, ब्लैक है, डार्क ब्राउन है, किसी भी कलर है, कैसा भी है, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। यही बॉडी एक्सेप्टेंस है। आप अपनी बॉडी की किस तरह से केयर करते हैं, आप अपनी बॉडी से निराश तो नहीं, तो यही है आपका बॉडी लव। हम अपनी बॉडी को नकारते हैं, हम अपनी बॉडी को अपनी बॉडी को शेम फील करते हैं। क्या हमारी बॉडी शेम है? नहीं होना चाहिए। हमें अपनी बॉडी को शेम फील नहीं करवाना है, हमें अपनी बॉडी को अच्छा फील करवाना है। और क्योंकि दिस इज़ एक ऑर्नामेंट है, दिस इज़ एक क्या बोलेंगे, दिस इज़ एक वेसल है। एक्चुअल में तो वी आर सोल ना, ये वेसल है। अब ये वेसल है, इस वेसल को आप जितना अप्रिशिएट करोगे वो आपका आपको स्वीकारेगा, वो आपको एक्सेप्ट करेगा। जितना आप अपनी बॉडी को एक्सेप्ट करोगे उतना ही वो आपकी आपकी सोल को, आपके अपने आप को एक्सेप्ट करेगा। तो आपको इस पे वर्क करना है, हम लोगों को इस पे वर्क करना है कि हम नेगेटिव चीज़ें ना सोचें कि यार मेरा कलर बहुत डार्क है, मेरे बाल बहुत ख़राब हैं, मेरी आंखें खराब हैं, मेरे हैंड खराब है, मेरे हैंड अच्छे नहीं है, मेरे पैर अच्छे नहीं है, मेरा ये अच्छा नहीं है। तो ये इसको नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं कुछ टिप्स टू लव योर बॉडी। इसमें फर्स्ट पॉइंट आपका ये है कि आप अपने आप को कंपेयर ना करें किसी से भी। आप एकदम प्रभावित हो जाते हैं ना जब देखते हैं सोशल मीडिया पे, मैगजीन पे, टीवी पर, आपके न्यूज़पेपर पे एकदम एक बहुत खूबसूरत सी पिक्चर कोई बनी होगी, तो आप किसी भी तरह से आप उस ट्रैप में फंस जाते हैं कि यार ये ब्यूटीफुल है, ये खूबसूरत है, और वहीं आपको फिर अपनी बॉडी का कोई भी अंग या अपनी बॉडी से फिर आप निराश होने लगते हैं। तो नहीं करना चाहिए। योर बॉडी गुड, उसको गुड फील कराएं। और नंबर 2 है कि ऐसी एक्टिविटी कीजिए जो आपको बहुत बेहतर फील कराए, जो आपको अंदर से एनर्जी दे, जो आपको अंदर से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखे। आप योगा कर सकते हैं, आप अपने हेयर को अपनी हेयर केयर कर सकते हैं, अपनी स्किन केयर कर सकते हैं। तो जो आपको बहुत ही स्मूथली आपके माइंड को एकदम फ्रेश करे, आपकी बॉडी को रिलैक्स करे, वो काम कीजिए, तो ये बेहतर विकल्प हो सकते हैं। इस और फिर अपने मनपसंद के जो आपको पसंद है वो कपड़े पहन के आप अपने आप को शाइन फील कर सकते हैं। तो एक्टिविटीज़ ऐसी कीजिए जो आपके माइंड को मेंटली और फिजिकली दोनों आपको रिलीव करे। सो लव योर बॉडी। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत जल्दी ही दूसरे लोगों से कंपेयर करने के लिए प्रेरित कर देता है, और फिर आपको अपने अगर सोशल मीडिया पे कोई चीज़ देखी है तो फिर आप अपने आप को उससे कंपेयर करने लगते हैं। दिस इज़ नॉट गुड। एक रिसर्च के हिसाब से देखा गया है कि जो सोशल मीडिया है वो यंग गर्ल्स के अंदर अपनी सेल्फ एस्टीम को डिक्रीज कर रहा है। तो सोशल मीडिया के प्रभाव में ना आए एंड एक्सेप्ट योर बॉडी, लव योर बॉडी। अदर वे सोशल मीडिया आपके लिए हेल्पफुल भी हो सकता है। आप ऐसे कंटेंट को फॉलो या सब्सक्राइब करें जो आपके अंदर पॉजिटिविटी लेकर आता हो। जो कंटेंट देखने से आपके अंदर नेगेटिविटी आती हो, जो आपका माइंड डिप्रेस्ड रहता हो, आपको नेगेटिव फील होता हो, आपको अच्छा फील ना होता हो, उनको अनफॉलो करें, अनसब्सक्राइब करें, और ऐसे कंटेंट को देखें जो आपकी आपके माइंड के लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपकी सोच के लिए आपको पॉजिटिव रखते हैं और आपको एनकरेज करते हैं अपने आप से प्यार करने के लिए। तो ऐसे कंटेंट को आप फॉलो करिए और ऐसे कंटेंट को सब्सक्राइब कीजिए, चेंज कर दीजिए इसको। क्योंकि रिसर्चेस कहती हैं कि हमें ऐसी कोई भी चीज़ को देखकर अपने माइंड में नहीं डालना चाहिए जो हमें निगेटिव फील करवाती हैं। अपना ऑरा हमको ऐसा बनाना है कि हमें सिर्फ सिर्फ
अच्छी चीज़ें देखनी है जो हमारे लिए, हमारी बॉडी माइंड के लिए बहुत अच्छा हो। तो ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। आप सोचिए ना, सचिन तेंदुलकर, क्या हाइट उनकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। और सांवले सलोने सी रेखा, जिनको स्टार्टिंग में जब वो फिल्म में गई थी तो बहुत से लोगों ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया था कि नहीं अरे ये तो थोड़ी सी काली है और ऐसा है, लेकिन वही जाके बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनी। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। अभी छोटी सी एक नेहा कक्कड़ हैं जिनकी हाइट कम है लेकिन वो बहुत खूबसूरत हैं। तो क्या वो उनकी हाइट उनके उनकी सफलता के लिए बाधा डाल रही है? नहीं, वो अपने आप को कैरी कैसे करती हैं, वो अपने आप से कितना प्यार करती हैं, क्या आपने देखा है उनके गानों में, वो कितनी अच्छी सिंगर हैं। तो उनको हाइट ने कहीं पे भी उनको उनको नीचे डाउन नहीं किया है। तो सब खूबसूरत हैं, एक्सेप्ट देम, एक्सेप्ट योर सेल्फ। अरे जब आप ही खुद को स्वीकार नहीं करोगे तो बाहर वालों से कैसे बोलोगे? जब आप ही अपने अंदर कमी निकाले जा रहे हो तो बाहर वाला कैसे आपको एक्सेप्ट करेगा जब आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो? सो एक्सेप्ट योर सेल्फ, एक्सेप्ट योर बॉडी एज इट इज। आपकी बॉडी की और भी बहुत सारी खूबियाँ हैं, उसको एक्सेप्ट कीजिए। आपके जब आप देखते होंगे दौड़ते भागते हैं या कभी कभार कभी भी कोई एक्सीडेंट हो जाए और हमारे शरीर के किसी अंग की हड्डी बोन टूट जाए, हड्डी टूट जाए, तो देखते हैं वो धीरे धीरे कैसे हील कर लेती है, वो बोन कैसे जुड़ जाती है। तो क्या ये आप ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं? आपकी आपकी जो बॉडी के जो सेल्स हैं वो डेली पे डेली डेली पे डेली कितने चेंज होते रहते हैं, ओल्ड टू न्यू होते रहते हैं। तो इसको एक्सेप्ट कीजिए। आपका कोई बाउंड है, कोई कोई आप चोट लग गई है, आपको वो धीरे 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 हील हो जाता है। तो बॉडी के और भी बहुत सारे काम हैं जो विचित्र तरीके से होते हैं, उसको आप अप्रिशिएट कीजिए। क्योंकि बॉडी का काम सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ आपके हिसाब से खूबसूरत लगना, बॉडी के और भी ढेर सारे काम हैं। तो जो उसके मार्वलस काम है, जो उसके अमेजिंग काम है, आप उसको स्वीकारें एंड लव योर बॉडी। और टर्न नेगेटिव सेल्फ टॉक टू पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अगर आप अपनी बॉडी के बारे में नेगेटिव टॉक करेंगे, नेगेटिव बातें करेंगे, तो वो क्या हेल्पफुल होगी? वो कोई फ़ायदा नहीं है उससे बात करने से, वो चेंज ही नहीं हो पाएगी, वो अनहेल्पफुल रहेगी। तो अपनी बॉडी की, अब मान लीजिए आपकी बॉडी पे, जैसे मान लीजिए मेरे पिगमेंटेशन है या कुछ है, तो मैं ये बोलती हूँ मेरे पिगमेंटेशन है, तो बार बार बोलती रहूँ, उससे कोई फ़ायदा है? जो कभी चेंज, जो चेंज नहीं हो सकती है और चेंज हो भी सकती है, आप ट्राई करते रहिए। लेकिन उसको बार 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 बोलना, बल्कि ये बोलना चाहिए कि ठीक है, ये मेरे, अगर मुझे पिगमेंटेशन है तो ये मेरी मेरे हैं, आई लव माई पिगमेंटेशन, आई एक्सेप्ट इट। तो लव योर सेल्फ, लव योर स्किन, लव योर बॉडी, लव योर हेयर, एवरीथिंग, जो भी आपकी बॉडी है उसको एक्सेप्ट करना है। नेगेटिव सेल्फ टॉक जो है वो आपको बहुत ही मेंटली आपको बहुत स्ट्रेस दे सकती है। हमेशा नेगेटिव बातें करते रहना अपनी बॉडी के बारे में, वो आगे के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, वो आपको मेंटली बहुत हैरेस करेगी। और फिर आप उसको, फिर आपको वो मेंटली इतना प्रेशराइज करती रहेगी, आपके ऊपर मेंटली इतना प्रेशर डालती रहेगी कि फिर आपको अपनी ही बॉडी को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम होगी। आप बॉडी, अपने माइंड को जैसा फीड करते हैं, जैसा आप उसके अंदर फीडिंग डालते रहेंगे, वो फिर सेम वैसा ही आपकी बॉडी को एक्सेप्ट करना कम कर देगा। इसीलिए अपनी बॉडी के बारे में आप अपने आप को शेम कैसे फील कर सकते हैं? आप ये फील, आपने बॉडी को शेम फील नहीं करवा सकते। अब देखिए ना, लाखों हज़ारों, मुझे नहीं पता कितने लाखों करोड़ों लोग होंगे जो, जिनके अंदर फिज़िकल बहुत सारी कमियाँ होंगी। किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं, कोई देख नहीं सकता है, कोई सुन नहीं सकता है, कोई चल नहीं सकता है, बहुत सारे स्पेशल लोग हैं। तो जब वो तो अगर हमारे पास तो फिर भी बॉडी के सारे पार्ट्स हैं, सब वर्क कर रहे हैं, सब अच्छे से चल रहे हैं, तब भी हम लोग अपनी बॉडी को शेम फील कराते हैं। उनसे पूछिए, उन लोगों की हिम्मत दीजिए, आप उन लोगों को भी हिम्मत दीजिए कि वो लोग कैसे सर्वाइव करते हैं और फिर भी वो लोग बहुत बहुत, अभी एक मैंने किसी वीडियो में किसी चीज़ में देखा था एक बार कि वो एक ही, उनका हाथ शायद दोनों हाथ नहीं थे और उसके बावजूद वो एक पैर से इतना अच्छे से पेंटिंग और ड्राइंग कर लेते हैं, का नाम ध्यान नहीं आ रहा है।
तो ऐसे बहुत से सैकड़ों सैकड़ों हजारों एग्जाम्पल हैं जो जो फिजिकली हैंडीकैप होने के बाद भी एकदम परफेक्टली अपने अपने उस अपने क्षेत्र में बहुत नाम कर रहे हैं, किसी ना किसी क्षेत्र में विशिष्टता हासिल करे हुए हैं। आप ही को मैंने बताया था कि कौन थी वो, अरुणिमा सिन्हा, उनका एक पैर नहीं था लेकिन उनको क्या था कि मुझे माउंट एवरेस्ट पे जाना ही जाना है। अगर वो बॉडी शेम होती, वो कहती अरे मैं कैसे पार्टिसिपेट करूँगी, तो वो आगे की टीम से ही नहीं मिलती, उनसे बोलती ही नहीं कि मुझे माउंट एवरेस्ट को फतेह करना है। लेकिन फिर उनके हिम्मत, उनकी ताकत, उनकी सोच ने, उनकी उनकी सोच के हिसाब से उनकी बॉडी ने उनको उनका साथ दिया और वो माउंट एवरेस्ट फतेह कर पाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को अपने बारे में बिल्कुल निगेटिव नहीं बोलना है, अपनी बॉडी के बारे में आप जैसे भी हैं बहुत सुंदर हैं। क्या हुआ अगर आपके बाल ज़्यादा बड़े नहीं हैं? कुछ नहीं हुआ ना, कोई नहीं, आप खुश रहिए, सुंदर हैं आप, बहुत सुंदर हैं। क्या हुआ अगर आपका रंग सुंदर गोरा नहीं है? क्या हुआ अगर आपकी नाक एकदम तीखे नक्श नहीं है? क्या हुआ अगर आपके होंठ पतले हैं या मोटे हैं? क्या फर्क पड़ता है? ईश्वर का बनाया नूर कभी ना होगा दूर। मतलब ईश्वर ने, गॉड ने आपको इतने अच्छे से क्रिएट करके भेजा है, इतनी खूबसूरती से आपको बनाया है और आप इस धरती पे जी रहे हैं, तो इस धरती पे अपनी बॉडी को, अपने आप को स्वीकार कीजिए, पॉजिटिव रहिए और एक्सेप्ट योर बॉडी। आप कोई ऐसा मानक नहीं है, कोई आपको नहीं बोल सकता कि आप सुंदर नहीं हो, आप सुंदर हो। यहाँ से फील करिए आप 100% सुंदर हैं। कोई कलर गोरा कुछ नहीं है, आप कोई कंपैरिजन नहीं है। बहुत से एग्जाम्पल हैं ऐसे जो काला गोरा हर चीज़ का भेद मिटाते हैं। तो वी आर ऑल ब्यूटीफुल। सो मैं तो प्यार करती हूँ अपनी बॉडी से, मुझे खुद से बहुत प्यार है मुझे खुद से प्यार, तो मैं क्या करूँ? तो आप भी करिए खुद से प्यार और खुश रहिए। इस माइंड में गलत चीज़ मत सोचिए जो आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट करे, अच्छा चीज़ सोचिए जो आपकी बॉडी पे पॉजिटिव काम करे। तो लव योर बॉडी। तो आज का टॉपिक था लव योर सेल्फ। लव योर सेल्फ नहीं, लव योर बॉडी, बॉडी पॉजिटिविटी। तो आपको आज का टॉपिक कैसा लगा बताइएगा। आज का टॉपिक था बॉडी पॉजिटिविटी। बॉडी पॉजिटिविटी मीनिंग कि हम अपनी बॉडी को किस तरह देखते हैं, हम अपनी बॉडी को पॉजिटिवली देखते हैं या हम उसके अंदर को नेगेटिव देखते हैं। तो नेगेटिव वर्ड्स तो निकालना ही है, हमें सिर्फ अपनी बॉडी को पॉजिटिवली देखना है। हमें अपनी बॉडी को कलर से, फैट से, थिन से, पतले से, गोरे से, काले से, तीखे नक्श से कंपेयर बिल्कुल नहीं करना है। जैसे भी आपको दिया गया है कुदरत का नूर, ईश्वर का, भगवान का दिया नूर कभी ना होगा दूर, तो इसको एक्सेप्ट कीजिए। भगवान ने आपको जिस शेप में, जिस कलर में, जिस तरह से भी आपको शेप करके भेजा है, उसको लव कीजिए, इसको एंजॉय कीजिए। अपनी बॉडी को शेम फील मत करवाइए, आपकी बॉडी आपकी है और आप उसको प्यार करिए। भले आप फैटी हो, भले आप थिन हो, भले आप नाटे हो, बहुत लंबे हो, कुछ नहीं, बाल छोटे हैं, बाल बड़े हैं, बाल काले हैं, बाल भूरे हैं, जैसे भी हैं आपके, हैं ना। तो लव योर बॉडी, आप उसको ग्रूम कर सकते हैं अपने हिसाब से, और लेकिन आप उसको शेम फील नहीं करवा सकते हैं। इससे ये आपके लिए नुकसानदायक है, आपको मेंटली इतना ज़्यादा नेगेटिव डाल देगा, नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा डाल देगा कि फिर आप उससे उभर नहीं पाएंगे। आपको फिर अपने आप को ही अच्छे नहीं लगेंगे आप, और जब आप खुद को अच्छे नहीं लगेंगे तो बाहर कैसे सोच सकते हैं कि आपको लोग स्वीकार कर लेंगे। सो दैट बॉडी पॉजिटिविटी पे ध्यान दें, लव योर बॉडी, एक्सेप्ट योर बॉडी। ओके, टिल देन बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में। खुश रहिए, आबाद रहिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स को नज़रअंदाज बिल्कुल मत करिए। माता पिता हैं, माता पिता की खुशी है, माँ बाप हैं तो हम हैं, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, उनको साइड में बिल्कुल मत करिए। सबसे पहले हमारे माता पिता हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, टिल देन बाय बाय, शबा खैर, बाय बाय, गुड नाइट।
तो एक गाना था ना पुराना महमूद का, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि काले हैं तो क्या हुआ, हम अपनी बॉडी के चाहने वाले हैं। बाय।